मारा पीटी करने नहीं जा रहे हैं। माइक हटाइए, हेडलाइन हम मारा हेडलाइन डिस्टर्ब कर रहा है यार, तुम यार ऊपर कर दे रहे हो माइक, क्या कीजिएगा ऊपर कैसे हो। और ठीक है, सरकार ने रोका, हम रोक कोई हाथापाई हम लोगों ने नहीं, चलो ठीक है। आप एक बात देखिए, सरकार की अनुमति हो हम जरूर जाएंगे, लेकिन ये अनुमति भैया देगी तब तो, जाने देगी तब तो। और हम चाहते हैं कि हम तो निकले, नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बाहर निकल के नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शुभम कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज गोपालगंज के लिए निकलने वाले थे, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पुलिस छावनी में पूरा जो इलाका था उसको तब्दील कर दिया गया था और सुबह से करीबन 8 बजे से ही हाई वोल्टेज ड्रामा जो था वो चलते आ रहा था। वहीं आपको बता दें कि उसके बाद तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचते हैं और विधानसभा जो स्पीकर हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनका कहना है तेजस्वी यादव का कि एक स्पेशल सत्र बुलाया जाए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रतिपक्ष के कोई नेता को विधानसभा में आने की अनुमति लेनी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि कुल 5 लोगों को विधानसभा में आने की अनुमति दी गई थी, जिसमें कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे, तेज प्रताप यादव थे, जगदानंद सिंह थे और भी 2 लोग थे। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। विपक्ष के सभी MLA को मेरे को रोकने का काम किया गया, हालांकि हम अपराधी नहीं थे जो हमको रोका गया। अच्छा होता कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता, और जो गोपालगंज में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार भर में जितने अपराधी जो नाच कर रहे हैं खुलेआम, उन पर कार्रवाई होती तो ज़्यादा टाइम जी। आज स्पीकर महोदय से हम मिले, अनुमति लेकर के आना पड़ा, लेकिन देश के किसी भी राज्य में विधानसभा के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ नेता प्रतिपक्ष को अनुमति लेकर के विधानसभा जाना पड़ता। दूसरी बात कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने ही सर्वदलीय बैठक मीटिंग करवाई, मीटिंग जो है सर्वदलीय की इन्होंने ही बुलाई थी, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो जब स्पीकर महोदय के तरफ से जब मीटिंग सर्वदलीय बैठक की बुलाई जा सकी है, तो विधानसभा सत्र भी विशेष सत्र जो है चाहते हैं कि स्पीकर महोदय बुलाए। विषय जो हमने रखा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अपराध जिस प्रकार से बढ़ा है, लॉकडाउन पीरियड में जितना हत्या, कितना लूट, कितना अपहरण, कितना रेप, कितने दंगे जो कराने की कोशिश की गई, हम लोगों ने भी देखा। नालंदा जिला की घटना को भूल नहीं सकते, गया के अस्पताल में नई शादी हुई थी, उस बच्ची के साथ जो महिला थी उसके साथ गैंगरेप कर दिया गया सरकारी अस्पताल में। गोपालगंज में तो दिन दहाड़े जो है कोरोना बल्कि रेड जोन को तोड़ते हुए ऐसा लग रहा था सरकार ने पास दे दिया है गोली चलाने का, एक ये विषय। दूसरा विषय हमारा जो है प्रवासी मजदूर को जो लाने में लापरवाही की गई, बद इंतजामी जो कह सकते हैं, और जिस प्रकार से दूसरे दर्जे का नागरिक ठहरा दिया गया क्योंकि वो गरीब हैं, मजबूर हैं, बेसहारा हैं, जो श्रमवीर हमारे ना खाने को मिल रहा है ना लाने, ना उनको सरकार ला पा रही है, कोई साधन नहीं दे पा रही है, क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाएं नहीं है, एक ये इशू। तीसरा स्वास्थ्य, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग चरमरा सा गया, आपको पता है कि अभी तत्काल में ही प्रधान सचिव का जो है तबादला हो गया, जो तबादला हुआ मान लीजिए जो योद्धा जो लड़ रहा है बीच में उसके कमांडर को जो है टीम के कमांडर को चेंज कर दिया जाए तो क्या स्थिति बनेगी, कितने क्वारंटाइन सेंटर की क्या स्थिति है, अस्पताल की क्या स्थिति है,
क्या इलाज हो रहा है, कितना पीपी किट मिला है, कितना दवा की व्यवस्था कराई गई है, टेस्ट किट्स की कराई गई है, रैंडम टेस्टिंग कितनी कराई जा रही है। एक स्वास्थ्य जो चरमरा सा गया है बिहार का, उस पर जो है हम लोगों ने किया है। तो इन सारी जो विषयों पे जो है हम लोगों ने बोला है स्पीकर महोदय को कि आपने जो है ऑल पार्टी मीट बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, ये आपका इनिशिएटिव था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अब हम लोग चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश बिहार की स्थिति बेहद नाजुक है, बिहार की स्थिति बेहद नाजुक है, और उसको देखते हुए हमारा विपक्ष का दायित्व है कि उन सभी मुद्दों को सरकार के संज्ञान में लाने का काम करें, और उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है विशेष सत्र बुलाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग तो पहले दिन से ही सहयोग करते रहे हैं। बजट सेशन जब बंद कराने की बात थी तो हम विपक्ष ने ही सरकार को मदद किया था, बेरोजगारी यात्रा अगर बंद करानी थी, स्थगित करानी थी, तो हम लोगों ने समर्थन किया। जब प्रशिक्षण शिविर जिस दिन हमको राजगीर जाना था उस दिन लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने कैंसिल किया, सहयोग किया। लगातार 2 महीने 50 दिन से भी ज़्यादा विपक्ष जो है सरकार को सहयोग करती रही, हर एक दिशा निर्देश का पालन करती रही। काहे ऐसे कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जो स्थिति नाजुक है सरकार से लोग भी ईमानदारी से जो है ये बुलाएंगे। लेकिन जो घटनाक्रम जो अभी कुछ दिनों में हुआ है, सरकार को ऐसा लग रहा है कि संरक्षण देने का क्या, गोपालगंज जाइएगा तेजस्वी जी आए, मुख्यमंत्री जी सदन में जवाब दे, वो भी दे हम भी दे, जाइएगा तेजस्वी जी, तेजस्वी गोपालगंज जाइएगा। आप कर दिया आपने कि अभी फिर अब कैसे जाइएगा गोपालगंज? हमने पहले भी कहा था कि हम मारा पीटी करने नहीं जा रहे हैं। माइक हटाइए, हेडलाइन हम मारा हेडलाइन डिस्टर्ब कर रहा है यार, तुम यार ऊपर कर दे रहे हो माइक, क्या कीजिएगा ऊपर कैसे हो? और ठीक है, सरकार ने रोका, हम रोक हाथापाई, चलो ठीक है। एक बात देखिए, सरकार की अनुमति हो हम जरूर जाएंगे, लेकिन ये अनुमति भैया देगी तब तो, जाने देगी तब तो, और हम चाहते हैं कि हम तो निकले, नीतीश कुमार जी के लिए बाहर निकल के यथा वस्तु रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।